शायद मोटर भी चल पड़ी है। चलो व्लॉग ही बना लेते हैं, पहले शेप्स मेकिंग की है व्लॉग में, ठीक है रमलिंग करते हैं। बस मुझे ये कि जल्दी जल्दी खिलौरे ख़त्म हो जाए, बारिश अगर फिर से स्टार्ट हो गई ना बस फिर। एक रह गई। वालेकुम सलाम। इसको नीचे उतार लेते हैं, मोटर बंद होगी टाइम से तो फिर वीडियो बना लेंगे ये वाली। वो लो ब्रश, याद है टैक्सी बोरी में डाल दिया था, वो काम होना था जब इसी का हिस्सा भी।
इसको क्लीन कर लेते हैं। ये ग्रिटी रेड है, ये समझ नहीं आ रहा कौन सा रेड, चेक कर लेते हैं। अच्छा यहाँ देखते हैं, यहाँ जो ड्राई है उसको साइड पे करते हैं, ड्राई कह रही जो बनी हुई है। ये बहुत सॉफ्ट टेक्सचर है, ये वैसे ही पड़ा पड़ा टूटता रहता है अभी तो। सीमेंट की पोरिंग की थी, एक बार फिर कर लेंगे अब जब वीडियो बनाएंगे। वो ब्रश दो मुझे, जब इसकी शेप सब बन जाएगी तो नीचे उतार सकते हैं। आज की वीडियो में क्रम्बलिंग बहुत थोड़ी मिलेगी, इसलिए मैं यही चाह रही हूँ टेक्सचर बस समेटे जाएँ पहले, बहुत मुश्किल हो रही है। उधर बैठती हूँ तो टेक्सचर टूट जाता है, बना हुआ जो होता है क्योंकि जगह का है।
चलें जी यहाँ इसकी क्रम्बलिंग करते हैं फटाफट। वैसे जो सही है वो मैं निकाल ही लेती हूँ। अच्छा ये मल्टी स्टोन मल्टी कह रही हूँ, ये हैंडमेड टेक्सचर वाला, लेकिन इसके अंदर ना प्योर सैंड ऐड हो चुकी हुई है। तो अगर आप लोगों ने पिछले व्लॉग देखे तो आप लोगों को पता होगा दिखाया था। ठीक है थोड़ा शेप मेकिंग करते हैं। ये इसको है इसको। तो ये बड़ी शेप से निकाल देंगे क्योंकि इसके साथ बकेट है बड़ी वाली, तो वो भी इसको ड्राई होने में टाइम काफ़ी लगेगा। तो
लिक्विड डाल देते हैं, पर पानी ज़्यादा ही डल गया ये ना। हार्ड तो नहीं वैसे होने वाला, इसमें सैंड शैमिल है काफ़ी सारी। चलो चलो ठीक है, मैं ब्लॉग को चलो ठीक है ब्लॉग को बस करती हूँ। अच्छा रेडमेड की क्रम्बलिंग रह गई उनके लिए, मगर अब चले सॉरी, जिनके लिए ब्लॉग शुरू किया था उसके लिए गर्मी भी लगी है, कर लूँ थोड़ी सी। चले थोड़ी कर ही लेते हैं। मैं हनी आपके लिए मैंने रेडमेड की क्रमलिंग करती हूँ। अच्छा इसकी वीडियो बना रही थी तो कुछ एक्सर अंदर दूसरा ऐड था, फिर मुझे वहीं छोड़ना पड़ा। वो गर्मी काफ़ी हो गई है, धूप निकल आई है। यहाँ काफ़ी सारी बिखर गई है, चलो मैं गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है इधर मुझे, इसलिए मैं उठ जाती हूँ।
ये देखिए पूरा टप था यहाँ से उठ चुका है, इसको हम खड़ा कर लेते हैं ताकि बाकी ना वेस्ट हो। चलो ठीक है, ओके, फिर मिलेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।